बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्षमा चाहूंगा थोड़ा विलंब हुआ, आज काफी लोग थे। कल मैंने परम तत्व तक की बात की थी। मनु परम परिश्रम उस अनादि प्रकाश में समा गए, जैसे शरीर में आत्मा का जलवा दिखता है वैसा ही उस लोग परमानंद है, वह आनंद स्वरूप है। चार करी का लोक बनाया, सत्य शील धीरज और विवेक। इस संसार में जब मनुष्य रहता है तो आप देखें कि अंदर बहुत गड़बड़ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पूरी उथल पुथल मचा रहे हैं और ये प्रबल है। जब भी ये हृदय में प्रकट होते हैं बहुत बड़ा धमाल मचा देते हैं। जीव जानता है कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध करने से हानि होती है, तो भी आ जाता है। यानी गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा खल कामादिक मोह अपारा। ये प्रबल है, शक्तिशाली है, अर्थात आखिर सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। साहब कह रहे हैं अब कैसे छुड़ाए, विधि क्या है? अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश। ये अंदर में काम करते हैं, आकर के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और मस्तिष्क ही मन है, मन जीव को भ्रमित करता है। इस कारण से पूरा राज्य मन का है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राग भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पढ़ा काल बसाई। अब यहाँ आप सूरत वो नाम फिर क्या चीज है, वो एक एलिमेंट है, उसको एक पूर्ण गुरु अपने में समाहित करके लाता है, आप में छोड़कर आपको अपनी तरह बनाता है। मैंने कई बार भृंग मते पर भी बात की है, साहब भी वाणी में कह रहे हैं, भृंग मता हुए जय पासा सोई गुरु सत्य धर्म लासा। वो भृंग मता ये वो वस्तु आपके अंदर ऑटोमेटिक एक बदलाव कर देगी। कल भी कहा था जो इस प्रकार से सुमरण और गुरु के ध्यान में लग जाता है उसको वो पूरी ऊर्जा वहां से मिल जाती है। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी का भी ध्यान करेंगे उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सूरत एक शरीर है, सूरत आत्मा है। साहब मैंने कई बार कहा कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन, दोनों में भिन्नता नहीं है। अब साहब बड़ी सहज वाणी में कह रहे हैं, जाकी सूरत लाग रह जाए वहां कहे कबीर पहुंचाऊं थे वहां। फिर वाणी में एक चीज और आ रही है, बड़ी निराली आ रही है, सूरत से देख सखी वरदेश। अब आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप वहां बैठकर अपना ध्यान अपने घर की तरफ लगा देंगे तो आप वहां पहुंच जाते हैं, आप यहां पर नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। बस इस सूरत को कहे कबीर सूरत का खेल सारा है, आदमी नहीं समझ पा रहा है। साहब के आदि नाम कुन तहवा होई नौ धत बूझे बड़ला कोई, सूरत परम होए गलताना ताप को मिले निज पद निर्वाणा। अब मैंने बिहंग पर भी कई बार बोली है, बिहंग मार्ग पर, ये सिर्फ संत के पास है। बिहंग मार्ग एक बार जो दर्शन की ना देखे बहुत विलंब न लाई। अब यहां क्या कह रहे हैं, एक बार जो वहां पहुंचता है जिसकी आत्मा, दोबारा वहां जाने में टाइम नहीं लगता है, देखे बहुत दोबारा विलंब देर नहीं लगती है। बस वो सूरत वहां जैसे स्थिर कर दी वो वहीं हो जाता है। आपकी सूरत जहां चली गई वहीं तो होते हो,
कई बार एक एग्जांपल मैंने ये भी दिया, आप कुछ लोगों को देखते हैं वो बैठे हुए हैं, आप क्या कहते हैं, विचारों में खोया हुआ है, नहीं, यहां की घटना से वो बिल्कुल अनजान होता है, एकाग्र यानी बॉडी यहां होती है पर यहां की क्रियाएं प्रक्रियाएं उनको नहीं अनुभव होती है, बस ये कंसंट्रेशन में सब कुछ है, ये आत्मा है। मैंने जापान के एक दार्शनिक का उल्लेख किया था, आज मैं उल्लेख पुनः कर रहा हूं। एक दार्शनिक था, उसने बोला मुझे, मैं ध्यान केंद्र खोल रहा हूं तो मुझे कुछ विद्यार्थी चाहिए जो ध्यान क्रिया करने वाले हो। जब उन्होंने घोषणा की तो बहुत लोग आए, वो प्रोमिनेंट फिगर थे, उन्होंने उसमें से कुछ विद्यार्थियों का चयन किया। उनको कहा भाई आपको मैं ध्यान का लेसन सिखाऊंगा, कुछ दिन मेरे आश्रम में रुको। आश्रम में रुके, उसके बाद उन्होंने उनमें से 16 आदमी को चुना, बाकी को भेज दिया। 16 आदमियों में से एक आदमी से कहा, उनसे कहा भाई थोड़े समय बाद मैं इनमें से सिर्फ 3 प्रत्याशी चुनूंगा, मुझे 3 लोगों की जरूरत है, इसलिए कंपटीशन टफ है, आप तब तक अपने ध्यान को का निग्रह करते रहो। ठीक है, ध्यान का निग्रह करते रहे। उसके बाद उस महात्मा ने उसमें से फिर 3 को चुना, बाकी को कहा शाबाश आप अभ्यास करते रहना। उन 3 को कहा तुम्हें एक निर्जन स्थान पर ले चलूंगा जहां शोर शराबा नहीं है और वहां व्यवस्था है, 3 कमरे होंगे, उसमें आपके जीव का उपार्जन के पूरे संसाधन है। उस कमरे में आपने 3 महीने ध्यान योग का प्रयोग करना, याद रहे आप 3 में से मुझे 1 आदमी चुनना है। वो वहां 3 महीने रहे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा, अलग अलग कमरे थे। 3 महीने बाद महात्मा ने पहले दरवाजे को खटखटाया, जब पहले दरवाजे को खटखटाया तो आवाज नहीं आई, अंदर से कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला, फिर जोर से खटखटाया, लड़के ने दरवाजा खोला, महात्मा ने कहा क्या बात है, सोए थे क्या, बोला नहीं मैं ध्यान में था, बोला मैं दरवाजा खटखटाया तुम्हें आवाज नहीं सुनाई थी, बोला मैं ध्यान में था, बोल ठीक है। दूसरे दरवाजे की तरफ गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला, जोर जोर से खटखटाया तो भी कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला, जोर से आवाजें दी, बमुश्किल से वो लड़का दरवाजा खोला। महात्मा ने कहा क्या बात है, तुम सोए थे क्या, दिन का समय है, बोला नहीं मैं ध्यान में था एकाग्र, बोला इतनी जोर से आवाजें नहीं सुन पड़ी, बोला नहीं, दरवाजा थपथपाया वो भी नहीं जान पाए, बोला नहीं, बोला शाबाश तुम्हारा ध्यान तो काफी एकाग्र था। तीसरे कक्ष में गए, कमरे में गए, वहां भी दरवाजा थपथपाया, कोई प्रतिउत्तर नहीं, जोर जोर से आवाजें दी, कोई जवाब नहीं मिला, आखिर में दरवाजा तोड़ना पड़ा। जब दरवाजा तोड़ा तो वो खटिया पर बैठा हुआ था,
उसकी आंख के आगे यूं यूं हाथ किया तो भी पता नहीं चला, उसको झकझोरा, तब कहा हाँ। महात्मा ने कहा तुम क्या कर रहे थे? बोला मैं ध्यान एकाग्र था मेरा। बोला इतना शोर हुआ समझ में नहीं आया? बोला नहीं मैं एकाग्र था। तीनों को, उस तीसरे को उसने कहा शाबाश, बाकी दो को कहा शाबाश तुम्हारा ध्यान अच्छा एकाग्र था, लेकिन अभी ध्यान एकाग्र करो। उसे एक को रखा, उसको बताया क्या बोला, अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं अपना संदेश कंसंट्रेशन से दूंगा, तुम समझ लोगे। मैं कंसंट्रेशन में आपसे जो बात करूंगा आप समझ जाएंगे, मैं अपनी फीलिंग्स जो तुम तक पहुंचाऊंगा तुम समझ जाओगे। आप इस पर गौर कीजिए, आदमी परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है? हम तो कह रहे हैं सात आकाश के बाद परमात्मा है, सब कह रहे हैं शास्त्र भी। इसका मतलब है हमारे पास उस ध्यान में एक ताकत है कि हम इतनी दूर भी उससे अपनी बातचीत कर सकते हैं। प्रमाण मिलता है जब हम कष्ट में होते हैं तो प्रभु को पुकारते हैं, इसका मतलब है हमारी एक धारणा है कि वो हमारी पुकार सुन रहा है। भाइयों साहब इसी पर कह रहे हैं जो कुछ है वो सुरत है, इसलिए साहब ने सुरत योग को बोला है, बाकी कोई योग नहीं बोला। सुरत संभाले काज है तू ना भरम भर बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। अभी वो सूरत से ही पूरी दुनिया आपको दिख रही है। अब यहाँ साहब क्या करें, सूरत से देख सकी वह देश, इसका मतलब है उस अध्यात्म जगत की अनुभूति भी हम सिर्फ सूरत से कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और दे रहा हूँ, वो मैं पहले भी बोला हूँ। एक महात्मा ने कहा भाई जिनको तलवारबाजी सीखना है आ जाओ मैं उनको तलवार चलाना सिखाऊंगा। प्राचीन काल में तलवारों से युद्ध होता था, पहले आदमी डंडों से वार करता था, हाथी अगर आया तो सब गांव के लोग मिलकर डंडों से उसको मारते थे। फिर पाषाण युग आया, पाषाण युग में फिर पत्थरों से यंत्र बनाए गए। उसके बाद धातु युग आया, उसमें फिर तलवार बर्छी तीर भाला ढाल आदि ये बनाई गई। उसके बाद फिर बंदूक युग आया। अभी किसी भी देश की सेना तलवारबाजी से नहीं लड़ रही, बंदूक युग आया, बंदूक युग खत्म हो गया। फिर बड़े बड़े गोलों और बारूद का युग आया, बमों का युग आया, फिर मिसाइल युग आया, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अब लेजर वार युग आया, वो मिसाइलें लेजर मिसाइलें अपने में हीट कलेक्ट कर लेती है, और हाइड्रोजन तो एवरीवेयर है तो हीट भी है, तो फिर वो टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग कंसंट्रेशन के युग को समझेंगे। आजकल अंतरिक्ष युग की बात चल रही है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट से, वो सैटेलाइट से ही पूरा अंतरिक्ष पर हम डिपेंड हैं इस समय। वो सैटेलाइट उसी से जहाज चल रहे हैं, समुद्री बेड़े चल रहे हैं, उसी सैटेलाइट से आप दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी से बात कर रहे हैं। अब और बैंकिंग बाकी चीजें समस्त कंप्यूटर उससे चल रहे हैं। अभी युद्ध की पद्धति चेंज हो गई और इस पद्धति का इस्तेमाल अमेरिका ने इराक के खिलाफ किया था,
विदिन थ्री डेज सद्दाम हुसैन की टांगे और हाथ खड़े हो गए थे, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर दिया। आज अगर सैटेलाइट वार में हम सब इस समय इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर ये फेल हो जाएगा बैंकिंग स्टाफ ठप हो जाएगी, पूरा टाइम टेबल ठप हो जाएगा, क्योंकि हम इस समय एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है। हवाई जहाज हवा में भटकते रहेंगे, उनको दिशा नहीं मिलेगी। सैटेलाइट से इन सबको कनेक्ट कर दिया गया है। अगर वो सैटेलाइट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया किसी मिसाइल ने तो पूरा देश अंधा हो जाता है। इसलिए दुनिया में अभी भारत चौथे नंबर पर है एंटी सैटेलाइट वार में, तो यानी उसमें लेजर किरणें हैं, आप मानना इनसे भी स्ट्रांग कंसंट्रेशन की किरणें जो तांत्रिक सिद्ध है, मारण मरण सम्मान उच्चाटन करते हैं। घर में बैठे आदमी को जो चाहे यहां से करा सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक सैटेलाइट पा रही है। हमारा देश पहले ही बहुत आगे था, विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। तो साहब भी वाणी में क्या करें, सूरज से देख सकी वह देश। इसका मतलब है आपके कंसंट्रेशन में एक ताकत है, जहां भी हो वहां आप आदमी से बात कर सकते हैं तरंगों से। हम तरंगों के युग में ही तो हैं। यहां साहब कह रहे हैं जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, सूरत तुरी असवार है पल्लावे पल जाए। मैं 5-6 दिन से एक आदमी बार बार मेरे ध्यान में घूम रहा था। मैंने दिल में सोचा मैं तो इसका चिंतन नहीं किया, क्यों घूम रहा है। 5-6 दिन बाद वो मेरे पास आया। अच्छा, देखिए समझ की बात है, अब बात समझ में आई। उसने कहा गुरुजी 5-6 दिन से आपके पास आने के लिए बड़ा मैं तड़फ रहा था, साधन नहीं मिल पा रहा था, मैं आज पहुंचा। इसका मतलब है वो तरंगे आई। फिर मैं एक एग्जांपल कई बार दे चुका हूं, कभी कभी आपको एकाएक मामा की भाई की चाचा की सुरती आपके आगे घूमती है। आप कहते भी हैं भाई आज चाचा यहीं घूम रहा है। दरअसल वो एक बॉडी थी, चाचा का पूरा कंसंट्रेशन आपकी तरफ था, इसलिए वो वहां पहुंच गया था। आपने चाचा की बॉडी नहीं देखी पर एक पूरा व्यक्तित्व देखा ना, वो है सुरती। चाचा के आपने स्थूल शरीर को नहीं देखा पर अपने इर्द गिर्द एक आपको अनुभव हुआ, उसमें बॉडी नहीं थी फिर भी आपको अनुभव हुआ कि यह ध्यान चाचा का था। जब आपको यूं लगा कि चाचा इधर ही घूम रहा है तो चाचा क्या स्थूल शरीर नहीं था, वही स्थूल शरीर। ये तो मोक्ता है सिर्फ ये शरीर। आप देखते हैं कुछ लोग हाथी का मोक्ता लगाते हैं, कुछ लोग शेर का मोक्ता लगा देते हैं, कुछ लोग कलाकारों का सेलिब्रिटी वालों का मोक्ता लगा देते हैं इस तरह। ये तो बॉडी मोक्ता है, काम तो पूरी सुरती कर रही है, काम तो पूरा आत्मा ही कर रही है, वो विदेह है आत्मा को। सुरत जात नहीं लागत बारा, इस आत्मा को वहाँ जाने में कोई समय नहीं लगता है। और सुरत बस खास सुरत ही है, सुरत का खेल सारा है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, बस आप हमेशा ये सूरत एकाग्र करो, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। साहब ने सूरत योग को स्थापित किया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, तो वो कह रहा था तलवार का युग था उस समय, तो कहा भाई मैं तलवारबाजी सिखाने का केंद्र खोल रहा हूँ, जिनको तलवार चलाना सीखना है आ जाए। बहुत से अभ्यर्थी शिक्षार्थी आए, उस महात्मा ने बोला उनमें से
छंटती करते गए। आखिर में एक व्यक्ति को कहा, भाई तुम्हें सिखाऊंगा मैं, बाकी जाओ घर में अभ्यास करो। अब वो उस आश्रम में रह रहा था। कुछ दिन तो महात्मा ने उससे झाड़ू बर्तन का काम कराया, साफ सफाई का काम कराया। वो पूछता रहता था कि महाराज मुझे तलवार चलाना कब सिखाओगे, मेरा सिलेबस शुरू कब होगा। बोला हो जाएगा, घबराओ नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। एकाएक एक दिन उसके पीठ पर एक तलवार का वार हुआ। गनीमत यह थी कि तलवार लकड़ी की थी। वो चौंक गया, क्रोध हुआ, बोला ये क्या बदतमीजी है। महात्मा ने कहा आज से तलवार चलाने का सबक शुरू हो चुका है, कोर्स शुरू है, तुम सावधान रहना, कभी भी तुम पर तलवार का वार हो सकता है। अजी वो सतर्क रहने लगा, हमेशा इधर देखना उधर देखना, सब काम करते हुए भी देखना। महात्मा ने दो तीन बार उस पर वार किया तलवार का, फिर भी अचानक उसने बचा लिया। अगले सिलेबस में महात्मा ने कहा अभी तक तो मैं तुम पर लकड़ी की तलवार का वार कर रहा था, अब और सावधान रहना, आज के बाद असली तलवार से वार करूंगा। लड़का चौंक गया और सतर्क रहने लगा कि भाई अब तो ये असली तलवार से वार करेगा। कई बार जब असली तलवार से भी वार किया उसने बचाया, क्योंकि होशियार था। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार। इस तरह महात्मा ने देखा अब ये बचा रहा है, फिर कहा भाई सुन, अब मैं सोते में भी वार करूंगा। लड़का बड़ी दुविधा में आ गया कि जागने के टाइम पर तो वार करता है, तो मैं अब सोते में कैसे बचाऊंगा। अब वो सतर्क होकर सोने लगा। महात्मा ने सोते में भी इस बार वार किया, छलांग लगाकर इधर हो गया, बचा। एक दो बार ऐसा जब किया, लड़के ने बचाव किया सोते में भी। एक दिन उसको प्रमाण पत्र दिया, जाओ तुम तलवार में, दुनिया में तुमसे कोई भी नहीं जीत सकेगा अभी। उसने कहा महाराज ये कैसी बात है, मेरे हाथ में आपने एक बार भी तलवार नहीं दिया है, और आप कह रहे हैं अब तलवारबाजी में तुम दुनिया में नंबर एक हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। महात्मा ने कहा बेटे तलवार चलाना तो कोई भी चला लेगा, इसमें खास बात यह है तलवार का वार बचाना। जब तू सोते में तलवार का वार बचा रहा है तो तुझ पर तलवार का हमला करने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। कहने का ये मतलब है वो हमेशा अटेंशन रहा। रेलवे वाले बड़ा अच्छा एक स्लोगन लिखते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कह रहे हैं, जौ लो गणपत जागही नहीं सेंध पावत तस्करा। गणपति क्या कहते, गढ़ कहते किले को, घर भी एक किला है। आजकल की तरह नहीं था घर, पुराने जमाने में घर बड़ा मजबूत होता था, क्यों डाके डाका डालते थे, दरवाजा की लकड़ी इतनी मोटी मोटी होती थी। आजकल तो रेडीमेड दरवाजे आ रहे हैं, खींच कर एक लात मारो तो दरवाजा उधर हो जाएगा। तो बहुत मोटी दीवारें भी होती थी, तो चोर सेंध काटते थे। तो साहब क्या कह रहे हैं, जौ लाओ जब तक गणपति यानी घर का मालिक, घर को भी गढ़ किला का, जागसी जागता है, नहीं सेंध पावत तस्करा,
तब तक तस्कर शेर नहीं पा मार सकता है आप। इसलिए वो गहरी नींद में जब आदमी जाता है तो तस्कर शेर गढ़ जौ लो गणपत जा गई नहीं सेंध पावत तस्करा। जागृत कला अनूप है। अब हमेशा होशियार रहना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, बाको काल क्या करे, उसको काल क्या कर सकता है जो आठ पहर होशियार। इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना क्षण सुमरे। और वो होशियारी का एक ही साधन है, चेतन रहना। इस पर नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक जो निश्चिन भजे, नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं यह नानक साची मान। साहब भी कह रहे हैं क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है। आठ पैर भी ना रहे सुमरण सोई कहा है। आप चिंता मत करना, आपको जागृत अवस्था का टैबलेट मिलेगा। अंतरिक्ष में जो जाते हैं पहले, यहां बहुत दिन उसको अभ्यास कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहां का एनवायरमेंट अलग होता है। इस तरह आप बस ये सुरती संभाले रहना साहब, आगे क्या करें वो सुनना। सुरत परम होए गलतान। अब कह रहे गलतान होने का मतलब लय हो जाए, तो ताको मिले निष्पद निर्वाणा। अब यहां एक शब्द और कहा जा रहा है, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। सुरत बान जब गुरुए समावे, वस्तु अगोचर तभी पाए। इसका मतलब है सुरत मान स्थिर करो। कई जगह बोल रहे हैं साहब, गुरु में दे समाए, बस गुरु का ध्यान ही सबसे, क्योंकि गुरु का ध्यान गुरु श्रुति सुर धेनु समाना, सभी चीजें आ जाएगी। आपको मैंने मेमोरी ट्रांसप्लांट की बात बोली थी, इससे आदमी फिर जिंदा रहता है, पूरी मेमोरी ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह महापुरुष लोग अपने अंदर का ज्ञान दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। आपको ध्यान होगा, रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया। रामायण सीरियल में वाल्मीकि जी के आश्रम पर सीता जी ने दो, क्योंकि उनको निकासा मिल गया था वहाँ की पब्लिक के कारण, दो बच्चों को सीता जी ने वहाँ जन्म दिया, लव कुश को, थोड़े से बड़े हुए। तो वाल्मीकि ऋषि जी ने उनसे क्या बोला था वो सुनो। बोला अगर मैं फॉर्मल तरीके से तुम्हें पूरा शस्त्र विद्या और ज्ञान दूंगा तो इसमें बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए तुम एकाग्र हो जाओ, मैं वो ज्ञान तुम में ट्रांसमिट करता हूं। ये एपिसोड शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो अभी भी देख सकते हैं, रामायण गूगल में भी है, नहीं महाभारत भी है। आप वो लवकुश कांड को अपना वाल्मीकि जी की आश्रय ये संवाद को देख सकते हैं। वो दोनों एकाग्र हुए, बस एकाग्र हुए, उन्होंने अपनी वो पूरी कला उनमें ट्रांसमिट कर दी। ये तो प्रमाण मिल रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें आप आश्चर्य क्यों मान रहे हैं। अब यहाँ साहब क्या करें, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने हैं, बिल गाए बिल गए नहीं एक रूप धोते। तो बंधुओं वो कंसंट्रेशन से वो पूरा पावर आप में समाहित करता है। ये थिंग्स और नॉलेज ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल नहीं है,
आज हम ऐसे युग में हैं कि यहाँ से एक जजमेंट आई 19 मनों की एक केस में हमारे, वो भेज दिया इतने छोटे हिप में पूरा वो आकर के यहाँ पहुँच गया। भोपाल से वो यहाँ भेजी जम्मू में, बस सूरत का पूरा खेल है। अब यहाँ साहब क्या करें, बस सूरत समझिए, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहमा। सूरत बांध जब गुरुए समावे, वस्त अगोचर तभी पाए, तज अभिमान मिले जब आई, ठाकुर दीजे ऐन दिखाई। सब तज रहे रहन ठहराई, और छोड़े सब लोग बढ़ाई। अब यहाँ कह रहे हैं बाकी चीज़ों में नहीं उलझना, बस वो ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे द्रोणाचार्य ने एक पक्षी को पेड़ पर रखा, धनुर्विद्या दे रहे थे, एक एक से पूछते गए, इसकी आंख में निशाना साधना है। जब साधा पूछा एक एक से, तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई कहने लगा पेड़ दिख रहा है, टहनियां दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं। वो पूछते गए, एंड में कोई कुछ कुछ कहने लगा, कुछ ने तो कहा सिर्फ पक्षी दिख रहा है हमें। अर्जुन ने कहा क्या कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। यानी आपका कंसंट्रेशन दुनिया में जितना फैलेगा, आप उतने कमजोर हो जाएंगे, उतना आप परमात्मा से दूर होंगे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पैरों से। इसलिए ये दिन भर दुनिया में घूम रही है, ये पूरा विश्व भी तो आप सुरती से देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन से देख रहे हैं ना, वाह, आप सुन रहे हैं मुझे, देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ, न तो आप देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, क्या चीज़ है ये ध्यान। यहाँ साहब क्या करें, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए, बस इसको साधने का क्या तरीका है, मन इसको विचलित करता है। अब एक रस्सी, हम सब जानते हैं, हम बैल को साधते हैं, बांधते हैं, अपने वश में करते हैं। बैल में 5-6 आदमी की ताकत होती ही होती है, 5-6 आदमी खाली हाथ से बैल को नहीं पकड़ सकते, पर नकेल पड़ने के बाद एक भी आदमी उसे काबू कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े सांड काबू हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, हमारी डेयरी में एक सांड था, उसका नाम मोहन रखा था, बहुत तगड़ा था। एक लड़का शरारती था, उनके माँ बाप ने आश्रम में छोड़ा था, बोला ये बड़ा शैतान है गुरुजी। छुट्टियों में था, महीने डेढ़, वो एक दिन उस बैल को लेके जा रहा था, डेयरी में बहुत जगह थी। जब वो लड़का पैदल चल रहा था, तो वो पैदल चल रहा था, जब लड़का दौड़ रहा था तो सांड दौड़ रहा था। सांड को दौड़ने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि भारी भरकम शरीर था, पर वो दौड़ रहा था। विचार करें, 12-14 साल का बच्चा इतने शक्तिशाली सांड को कैसे अपने काबू में कर लिया, नकेल पड़ी थी। इस तरह नाम के टाइम गुरु मन में नकेल कस देता है, बस आप अपने हाथ में डोरी पकड़े रहना, वो बस में आ जाएगा। अब यार साहब क्या कह रहे, नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांध न चाहिए। सब तज रहे रहन ठहराई, इस तरह जहां नाम कालगत नाही, और छाड़े सब लोग बढ़ाई। ये जो अहंकार है ना, बड़ी गंदी चीज है, इंसान को बहुत ये नीच बना देता है। अहंकार का रूप क्या है, मान चाहना। यहां साहब कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे, आप समझना इस बात को, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया, झीनी सबिन को खाए। ये झीनी माया
अहंकार, अहंकार का क्या स्वरूप, मैं अहंकारी चाहता है सब मुझे मान दे और प्रतिफल में वो सबको दबा दे। अब अहंकार पर साहब क्या वार कर रहे, अहंकार पर साहब बड़ा तगड़ा वार कर रहे। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए एक आपे को डार दे तो प्रीत करे सब, बस अहंकार को छोड़ो सब प्रीत करेंगे। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्नी धूप, घास पात जल जाएंगे धूप खूब की हो। इसलिए आदमी में आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए। आत्ममुग्धता क्या है कि मुझे सब सम्मान करें, ये भूख बहुत खराब है, ये इंसान को बहुत दम्भी बना देती है और कमजोर बना देती है। मैंने कई बार बोला जो अपनी आलोचना नहीं सह सकता वो बहुत कमजोर आदमी है, वो मूर्ख है। जिसे अपनी आलोचना सुनकर क्रोध आता है मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है उस पर चिंतन करो, ये आदमी जो बोल रहा है क्या सच में मुझे ये कमी है क्या मुझ में? अगर है तो वो आपका सचेतक है, वो निंदक आपको जगा रहा है। इसलिए नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु, साहब भी कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए अवगुण गुणी अवगुण कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। अगर आप में वो दोष है तो उसको सचेतक मानना, आपका दोष बता रहा है, आपको सतर्क कर रहा है। अगर दोष नहीं है तो मूर्ख समझना उसे, बोलना ये ऐसे ही बोल रहा है, व्यथित नहीं होना। निंदा सुनकर प्रतिकार करने की कोशिश मत करना, आपका कद बहुत मौना हो जाएगा। यहां पर नानक देव जी क्या करें, अस्तुत निंदा नाह जिन बैरी मित्र समान, कह नानक सुनने मना मुक्त ताह को जान। एक बार एक आदमी आया बहुत रो रहा था, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? बोला गुरुजी पड़ोस में आपका एक आदमी बड़ी निंदा कर रहा, जारो जार रोए जा रहा। फिर उसने एक किताब पर मेरी फोटो छपी हुई थी, उस फोटो को उसने क्या किया, वीरप्पन की तरह एक आंख उसकी बुझा दी और मेरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछ कर दी और बगल में एक राइफल टांग दी, यानी मुझे डाकू बना दिया। और वो उसने पर्चा उसके घर के पास में फेंक दिया, वो किताब के पहले पन्ने पर मेरी फोटो थी, थोड़ा पन्ना मोटा था, ये उठा के देना है, थोड़ा मोटा पन्ना दे दो, हाँ पुस्तक का पन्ना थोड़ा मोटा था, ऐसा था। मैंने कहा बेवकूफ, वो कमजोर आदमी है, तू क्यों रोए जा रहा है, चुप हो जा। उसमें हिम्मत होती तो मेरे पास आकर बोलना था ना, देखो कायर और डरपोक है, तुझे दुखी करने के लिए उसने ऐसा किया। मेरी तो उसने आंख तोड़ी नहीं, मेरे कंधे पर तो वो राइफल नहीं टांग पाया। मैंने कहा सुनो तू तो ऐसे पागल हो जाएगा, मुझे तो लोगों ने ISI वाला भी कहा, आतंकवादी भी कहा, छिछोरा भी कहा, 420 भी कहा, ऐसा कोई इल्जाम नहीं है जो मुझ पर नहीं लगाओ। क्या था, हमें निंदा का अभिप्राय समझना होगा। जब मैं लोगों को आंतरिक भक्ति की तरफ जोड़ा तो निसंदेह स्याणे चेले तांत्रिक इनको कष्ट हुआ, जब कष्ट हुआ तो वो मछले, तो मछले कोई बात नहीं। मैंने कहा वो सही बात है, अभी हमारे 220 आश्रम में ये धन पहले उनके पास जा रहा था, इसलिए उनको मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मैं कहा सही प्रचारक मेरे यही है। वाह निंदक जी ये जुगन जुग, काम हमारा होए काम हमारा होए, बिना कोड़ी को चाकर कमर बांध कर फ्री करे थे लोग उजागर। इसलिए निंदक सही प्रचारक है, पैसा कोड़ी भी नहीं लेता, बस अपनी निंदा सहने की ताकत रखना।
अगर वो फिजूल निंदा कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना, परेशान नहीं होना। बस आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए। आत्ममुग्धता का पहला स्वरूप यह है, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप है, मुझे दुनिया बहुत माने। आत्ममुग्धता का स्थूल स्वरूप है, मैं बड़ा सुंदर दिखूं, मैं बड़ा बलवान दिखूं, मैं बड़ा शक्तिशाली दिखूं, मैं बड़ा रीच दिखूं, ये भी नहीं हो। यहां नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, अस्तित निंदा ना है जिन बैरी मित्र समान, क्या नानक सुन रहे बना ज्ञानी तहन मकान। इसलिए अपनी निंदा सुनने की ताकत रखना है। तो बंधुओं इस तरह वो ना अपनी सूरत हमेशा संभालना और सब तज रहे रहन ठहराई और सारे सब लोग बढ़ाई, लोग बढ़ाई छोड़ देना। समय हो रहा है, कल पुनः आज मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट सत्संग शुरू किया, बाहर से लोग आए हुए थे, काफी बातचीत में काफी उलझाए और फिर मैं यहाँ 5 मिनट थोड़ा मैं यहाँ भी उलझा, क्षमा चाहूंगा साहेब जी।